शासकीय कन्या महाविद्यालय में सावन की धूम रही। हरे रंग के भारतीय परिधानों में सजी धजी कॉलेज की छात्राएं और शिक्षक। दुर्ग के शासकीय पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भव्य सावन उत्सव मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज की सभी छात्राएं और प्रोफेसर हरे रंग के भारतीय परिधान में सजी धजी नजर आई। वही कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रेशमा लाकेश ने बताया कि सावन उत्सव के अवसर पर कॉलेज परिसर में भव्य चित्रकला, आकर्षक प्रदर्शनी एवं मनभावन सजावटी एवं उपयोगी वस्तुएं, सुंदर परिधान, मेहंदी सहित स्वादिष्ट पकवान के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। हम लोग इसको सावन उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय प्रचार महोदय ने बताया कि लड़कियों को हम न सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि मार्केटिंग और सेल का भी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक उत्सव का रूप है। सावन सबको बहुत पसंद है, खास तौर पर महिलाओं को, तो इसमें महिलाओं से संबंधित ज़्यादातर हमने आइटम्स रखे हैं और पूरा का पूरा कार्यक्रम बाय द स्टूडेंट्स है, बच्चों ने ही किया है, बनाया है, पूरा लगाया है और वो अपनी शॉप्स चला रही हैं उसका है। ये हमने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें मेहंदी लगाना है, राखी बनाई हुई बच्चियों ने, अलग अलग मिलेट्स की राखी बनाई है उसको हमने प्रोत्साहित किया है, धान की ज्वेलरी है, गोबर की राखी है, जो ट्रेडिशनल राखियाँ हैं। भाभी के लिए भी लुम्बा राखी भी बनाई गई है, कपड़े हैं और भोजन के बहुत सारे अलग अलग गुपचुप, चाट और मोमोज, इस तरह के और गेम्स भी रखे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मंजू वोरा ने स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही कॉलेज की छात्राओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना दिल से की। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर किए जा रहे आयोजन के बारे में बताया। जिसमें हमने एक सप्ताह का राखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था और उसके बाद 15 दिन का हमारा मेहंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों ने जो तैयारी की, जो सीखा है, उसकी एक प्रदर्शनी भी लगाई है, प्रदर्शनी सह विक्रय कह सकते हैं। और उसके साथ ही आज बहुत ही रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न वेशभूषाओं का भी प्रशिक्षण दिया गया था, उसका भी आज कार्यक्रम प्रदर्शन होगा। तो ये एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करना है, उन कलाओं को, विद्यार्थियों के बीच में जो छुपी हुई कला है उसको हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ये मुख्य उद्देश्य हमारे आज के कार्यक्रम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सावन उत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।